टू थिन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के वन एंड के टू, के वन इज लेस देन के टू, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर. द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स विद द डिस्टेंस डी एज मेजर्ड फ्रॉम पी इज करेक्टली शोन बाई. देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक प्लेट पी है और एक प्लेट क्यू है, ठीक है, और इसके बीच में दो ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात दे रखा है कि K1 इज लेस देन K2. K1 क्या है? लेस देन है K2 से. तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ सही है. ये पहला ग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. वैसे तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड वाला ग्राफ सही है, बट क्यों? तो इसका रीजन समझिए भाई. आपको पता है कि जब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाता है तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो जाती है, ठीक है. एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम रहती, ये तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी. तो पहले एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, ईए, ये भी ईए और ये भी ईए. ईए कितनी है सोचिए, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है सिग्मा अपान एप्साइलम जीरो, जहां सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी वैल्यू होती है क्यू अपान ए. अब आप सोचिए इस सब्सटेंस के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इसको हम ई के वन लिखते हैं. तो देखिए ई के वन कितना आएगा, तो आपको बताना जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचती है, ये बचती है सिग्मा अपान के एप्साइलम जीरो. तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका कितना है, के वन, तो सिग्मा अपान के वन एप्साइलम जीरो आ जाएगा. ये इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. अब आप इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, वो क्या आएगी सोचिए. सीधी सी बात है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह देते हैं E K2. तो ये कितना आएगा, तो E K2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान K2 एप्सिलॉन जीरो. आपको ये तो पता ही है K इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन. जब K वन से ग्रेटर होंगे तो ये पक्का हो गया कि, तो ये पक्का हो गया कि ये E K1 और ये E K2, ये दोनों ही ईए से छोटे होंगे. क्यों? क्योंकि अपान में केवन है ना, और केवन के टू दोनों क्या है, वन से बड़े हैं. तो ये वैल्यू क्या होंगी, इससे छोटी हो जाएंगी. पहली चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ ये आती है बच्चों कि अगर आप ध्यान से देखिए तो केवन क्या है, लेस है के टू से, ठीक है. जब नीचे छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा. मतलब ई केवन ये ग्रेटर होगा किससे, ई के टू से. ई के वन ग्रेटर होगा किससे, ई के टू से. और ये पक्का हो चुका है कि जो ई ए होगा ये बड़ा होगा ई के वन से भी और ई के टू से भी. इसका मतलब एयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होनी चाहिए. तो देखो जैसे हम पहले ग्राफ में चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या थी, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज दिखा दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये ग्राफ तो पहले गलत हो गया. इधर आइए, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड चलो ये मान लिया, फिर ई के वन जो है वो छोटा है ई ए से, ठीक है. फिर आगे पहुँचे, एयर मिली बीच में, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. फिर ई के टू, अब यहाँ मिलना चाहिए था, तो ई के टू क्या है, वो ई ए से छोटा, वो भी तो है, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो हो नहीं रहा यहाँ, तो ये ग्राफ भी गलत हो गया. अब यहाँ देखिए, ये ई ए हो गया, फिर ई के वन तो वो छोटा है ई ए से, बिल्कुल सही. फिर ई ए आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है. फिर इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई के टू होगी. लेकिन ध्यान से देखो, चूंकि के टू बड़ा था इस वजह से ई के टू क्या होगा, छोटा होगा किससे, ई के वन से. तो ई के टू ये है और ये छोटा हो गया किससे, ई के वन से. फिर ये आ गया, इसका मतलब ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्टली उसको सही से रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे देखिए ये क्या है, ई ए है, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है यहाँ वाली, ये ई के वन है. फिर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई ए है. फिर यहाँ पे क्या है, ई के टू है. फिर यहाँ पे क्या है, ई ए है.
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं दिखा रहे हैं। ये कब सही हो सकता था? जब ये दोनों प्लेट्स मेटल की अभी कर दें, मेटल की कर दें तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तब ये ग्राफ सही हो सकता है। तो ये इसीलिए गलत हो गया, ये तो गलत ही था। तो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों इसी तरह मन से पढ़ाई करते रहिए, लगातार लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।